गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे वी डू एब्सोल्यूट मैथमेटिक्स क्लास फोर्थ एक्सरसाइज 7.16 डिवाइड 1/3/3। 1/3 को हमें 3 से डिवाइड करना है। एक्सरसाइज 7.16 फर्स्ट क्वेश्चन है 1/3/3। वन बाय थ्री को हमें डिवाइड करना है 3 से, तो 1/3 को हमें डिवाइड करना है 3 से। हम जानते हैं 3 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/3। तो हमें डिवाइड के साइन को हम मल्टीप्लाई के साइन में चेंज कर देंगे, और जो हमारा डिवाइड करना है जिससे, तो उस टर्म का हम रेसिप्रोकल करेंगे। 3 का रेसिप्रोकल क्या होता है, 1/3। तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 1 ज़ा 1। 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 ज़ा 9। तो 1/9 हमारा क्या जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकेंड 3/17/3। तो 3/17 को हमें डिवाइड करना है 3 से, तो 3 का हम रेसिप्रोकल करेंगे। 3 का रेसिप्रोकल होता है 1/3। देखो मल्टीप्लाई का साइन है इसलिए हम कट कर सकते हैं, 3 1 ज़ा 3 3 1 ज़ा 3। तो 1/17 हमारा क्या आ जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 16/17/8। तो 16/17 को हमें डिवाइड करना है 8 से। डिवाइड की जगह पर हम मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाएंगे और 8 का रेसिप्रोकल करेंगे 1/8। मल्टीप्लाई का साइन है तभी कटेंगे, अगर यहाँ पर प्लस या माइनस होता तो कटेंगे नहीं। तो 18 1 ज़ा 18 18 2 ज़ा 16। देखो अब ऊपर नीचे कुछ नहीं कट सकता, 2 1 ज़ा 2 17 1 ज़ा 17। तो 2/17 हमारा क्या जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 9/11/9/11। डिवाइडेड का है तो हम मल्टीप्लाई का साइन करेंगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा। रेसिप्रोकल मीन्स जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमिरेटर बन जाएगा। डिनोमिनेटर में क्या है 11 और न्यूमिरेटर में क्या है 9। देखिए सेम टर्म को अगर हम सेम टर्म से डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर 1 आता है। हम इसको यहाँ पर भी ख़त्म कर सकते हैं। अगर आपको सॉल्व करना है तो इसको मल्टीप्लिकेशन का साइन करेंगे और 9/11 का रेसिप्रोकल लिखेंगे, वो होता है 11/9। 11 से 11 कट जाएगा, 9 से 9 कट जाएगा, तो 1 आंसर आएगा। आप सिंपल याद रखिए किसी भी टर्म को, चाहे वो फ्रैक्शनल हो कोई भी टर्म हो, सेम टर्म से अगर हम उसी नंबर को सेम नंबर से डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर हमेशा क्या आता है 1। क्वेश्चन नंबर 5 12/49/3/7। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 12/49 लिखते हैं, डिवाइड की जगह मल्टीप्लिकेशन का साइन, और इनको रेसिप्रोकल कर देते हैं। जो डिनोमिनेटर में है वो न्यूमिरेटर में और जो न्यूमिरेटर में है वो डिनोमिनेटर में। तो कट जाएंगे, देखो 3 1 ज़ा 3 3 4 ज़ा 12, 7 1 ज़ा 7 7 7 ज़ा 49, 4 1 ज़ा, देखो यहाँ ऊपर न्यूमिरेटर में कुछ नहीं है, 4 और 1 है, 4 1 ज़ा 4, 7 1 ज़ा 7, 4/7 हमारा क्या आ जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 25/39/10/13। तो हम 25/39 डिवाइड की जगह पर मल्टीप्लिकेशन का साइन, 10/13 की रेसिप्रोकल करेंगे 13/10। तो देखिए 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, 13 1 ज़ा 13, 13 3 ज़ा 39। अब देखिए न्यूमिरेटर डिनोमिनेटर में कुछ नहीं कटेगा, 5 1 ज़ा 5, 3 2 ज़ा 6, तो 5/6 हमारा क्या जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 2 × 1/2/5। सबसे पहले हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन को इसमें कन्वर्ट करना है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, 2 × 2 + 1/2/5। 2 2 ज़ा 4 + 1 5/2/5। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे, मल्टीप्लिकेशन का साइन करेंगे, 5 का रेसिप्रोकल होता है 1/5। देखिए नीचे कुछ नहीं है डिनोमिनेटर में तो हम 1 एज्यूम कर लेते हैं और इसका रेसिप्रोकल कर लेते हैं, 5 1 ज़ा 5 5 1 ज़ा 5। तो 1 1 ज़ा 1, नीचे 2 1 ज़ा 2, तो 1/2 हमारा क्या आ जाएगा
आंसर आपको बिल्कुल ऐसे ही 8th, 9th, 10th, 11th, 12th सम आपको खुद करने हैं। आई होप 7.16 आपको समझ में आई होगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।